वेलकम टू निदान द सॉल्यूशन। जैसे कि पूरा का पूरा इंडिया कोरोना वायरस की समस्या से झेल रहा है, तो इसी को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम, पहले स्टेट गवर्नमेंट ने, फिर ऑल इंडिया बेसिस पे डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि सेक्शन 144 लगाया, लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू आया, फिर कर्फ्यू के लगाया गया। और जैसे कि अभी पंजाब में आपका कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरे ऑल इंडिया में लॉकडाउन हुआ हुआ है, काफ़ी जगह सेक्शन 144 भी लगा हुआ था उससे पहले। उसके अलावा तेलंगाना जो है, उसके सीएम ने कहा है कि यदि लोग अभी भी नहीं मानेंगे तो वो लोग सूट एट साइट का ऑर्डर दे देंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं कहीं ना कहीं पीपल्स के मूवमेंट को रोकने के लिए, जिससे कि क्या है, डिसीज को स्प्रेड होने से बचाया जा सके। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब इटली में लोगों को इस तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया तो वहाँ पर किस तरह से इस बीमारी ने भयावह रूप धारण कर लिया। तो हम इसके जो डिफरेंट प्रोविजंस हो कि सेक्शन 144 क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, तो उन सब चीज़ों के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जनता कर्फ्यू क्या होता है। तो जनता कर्फ्यू क्या होता है, एक तरह से ये फॉर द पीपल के लिए होता है और पीपल के द्वारा ही इम्पोज किया जाता है। मतलब ये क्या है, सेल्फ इम्पोज टाइप सा है। इसमें मतलब कुछ इस तरह का, आपकी कॉन्साइंस के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा फोर्स प्रोविज़न नहीं है कि आपके पास कोई, यदि आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर कुछ पीनल प्रोविज़न लगा दिया जाएगा। एक तरह से इंडिविजुअल की इंटेंशन पे बेस्ड है और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करता है, जिससे कि क्या है, डिसीज आपके ना फैले। तो ये जैसे कि इंडियन पीएम ने सभी से रिक्वेस्ट किया था कि जनता कर्फ्यू को 1 डे के लिए फॉलो करने के लिए। तो ये तो आपका हो गया सिंपल जनता कर्फ्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 144 में क्या क्या प्रोविज़न है और क्या क्या उसके अंदर में पनिशमेंट है। तो सेक्शन 144 जो है, ये जो आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो इसे इन्फोर्स कर सकता है। और इसमें क्या है, जो मैक्सिमम 2 मंथ तक आपका लगाया जा सकता है और इसको मैक्सिमम जो है 6 मंथ तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये क्या है, आपका कॉलोनियल प्रोविजन है, इन द सेंस ये ब्रिटिश समय से चलता आ रहा है। ये सबसे पहले जो लगाया गया था आपका 1861 में लगाया गया था। उसके बाद जो अभी का CRPC है उसमें आपका 41 लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1973 में ये नए प्रोविजंस इसके अंदर ऐड किए गए हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई भी इंडिविजुअल को यदि उसके राइट्स वायलेट होते हैं, उसे ऐसा फील होता है, तो वो इसके अगेंस्ट में आपका हाईकोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 226 के अंदर में। उसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या है कि 5 और 5 से ज़्यादा लोग एक साथ असेंबल नहीं हो सकते और वो लोग अपने साथ कोई आर्म्स कैरी नहीं कर सकते और इस समय आर्म्स की जो सेल और बिक्री होती है उस पर भी रोक लग जाती है। और इस समय जो आपकी एसेंशियल सर्विसेज रहती हैं वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। और ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, ये आपका स्टेट डिफाइन करेंगे क्या क्या चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आएगा। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एक आपका IPC का सेक्शन 144-88 और आता है, इसमें क्या होता है, यदि किसी ऑफिशियल ने, पब्लिक ऑफिशियल ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि कहीं पे लोगों ने झुंड लगाया हो, मतलब इससे भीड़ लगाई हुई है, तो यदि आप पब्लिक ऑफिशियल की बात नहीं मानेंगे तो उसको पनिशमेंट जो मिलेगा वो इस सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो वो पनिशमेंट कितना होता है, मैक्सिमम 3 ईयर्स का हो सकता है और फाइन उसके अलावा आप पे लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका कि आपका सेक्शन 144 में क्या क्या प्रोविजंस है। तो हम अब लोग देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर में क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या पनिशमेंट है या क्या क्या सिस्टम इसके अंदर में होता है। तो एक इसका एम जो होता है वो होता है इंडिविजुअल के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना। और ये जो है इन्फोर्सिंग अथॉरिटी कौन है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपका CMO जो है वो आपका एपिडेमिक एक्ट 1897 के अंदर में इसको प्रोमलगेट कर सकता है। और जो भी आपका, चाहे आपका सेक्शन 144 हो, कर्फ्यू या लॉकडाउन हो, उनके लिए ग्राउंड सेम ही है तीनों के लिए। आपको या तो डेंजर हो ह्यूमन लाइफ के लिए, या कोई राइट टाइप की सिचुएशन हो, या आपका पब्लिक पीस के लिए कुछ डेंजर हो, तो इन तीनों के तीनों कंडीशन में आपका वेदर लॉकडाउन भी लगा सकते हैं, सेक्शन 144 भी और आपका कर्फ्यू भी, अकॉर्डिंग टू दी ये लगाया जाएगा सीवियरिटी ऑफ द क्राइम्स या कंडीशन की क्या सीवियरिटी उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। इसमें भी लॉकडाउन एक्टिविटीज़ में भी क्या होता है कि आपका जो 144 के जो प्रोविजंस थे, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो इसके अंदर में रहेंगे। और इसके इसमें क्या होता है, पुलिस जो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट एनी कोर्ट परमिशन, तो ये इसके अंदर प्रोविज़न है। उसके अलावा इसमें एक और प्रोविज़न है कि जो आपके वहाँ पर भी आपको एडवाइस देंगे कि आप लोग अपने घरों में जाएं और यहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और इसमें क्या होता है, आपके ट्रेन हुई,
फ्लाइट्स हुई और आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। जिससे कि क्या, जैसे कि अभी डिसीज की कंडीशन ले लें तो डिसीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ना फैले। उसके अलावा इसके लिए तीन प्रोविजंस भी हैं कि डिसीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ये सब इसी के अंदर में आते हैं। तो अगर कोई पर्सन पाया जाता है इन तीन सेक्शन के अंदर में, उसे डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट प्रोवाइड करवाया गया। तो ये सेक्शन किस तरह के हैं, यदि इंडिविजुअल को किसी को डिसीज़ है, अब वो कहीं घूमता है, इवन दो वो नेग्लिजेंस है, मतलब उसे पता नहीं है कि मुझे डिसीज़ है, तो उसके थ्रू किसी को स्प्रेड हो जाती है डिसीज़, तो वो सेक्शन 269 के अंदर बुक किया जाएगा। और यदि इंडिविजुअल को पता है इंटेंशनली और फिर भी वो बाहर घूमता फिर रहा है, तो वो सेक्शन 270 के अंदर में बुक किया जाएगा। और इसमें कितना जेल टर्म है आपका, इसमें 2 ईयर्स का जेल टर्म है। उसके अलावा सेक्शन 271 है, 271 में क्या प्रोविजंस है, यदि इंडिविजुअल को क्वारंटाइन किया गया और यदि विदाउट परमिशन के वो क्वारंटाइन को छोड़कर भाग जाता है, जैसे कि अभी साउथ में भी ऐसे केस सुने गए थे विशाखापट्टनम में, तो वहाँ पे क्या आपको 2 ईयर्स की जेल होगी और फाइन भी उसके ऊपर से लगाया जा सकता है। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अब कर्फ्यू के क्या क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इन्फोर्सिंग अथॉरिटी कौन है। इन्फोर्सिंग अथॉरिटी इसका आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इसमें क्या है, इसमें जो सेक्शन 144 के प्रोविजंस तो रहेंगे कि अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी आपकी, उसके अलावा इसमें जो ऑल एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो भी सब शट डाउन हो जाएंगे। सिर्फ क्या क्या रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और आपका एटीएम हुआ, बैंक हुआ, ग्रोसरी हुआ, वेजिटेबल मिल्क शॉप, ये सब चीज़ बंद कर दी जाएंगी। और ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है जिस समय खोली जाती है, मतलब पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, 1 आवर्स के लिए, 2 ईयर्स टू आवर्स के लिए कर्फ्यू रिलैक्स किया जाता है, उसमें आप अपना ये फूड वूड ये सब चीज़ खरीद सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पुलिस पर्सनल्स यही अलाउ होते हैं रोड पर, और सबको घरों में रहने के लिए कहा जाता है। उसके अलावा यदि आपका इसमें क्या है कि स्ट्रिक्टली पीपल्स को कहा जाता है कि आप अपने घरों में रहें। उसके अलावा पीपल्स जो है पर्सनल्स को पास प्रोवाइड करवाती है, यदि किसी को इमरजेंसी के लिए कहीं पर जाना भी होता है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो वहाँ पर जाने के लिए पुलिस जो होगी आपको पास प्रोवाइड करवाएगी। उसके अलावा इसमें एक और प्रोविज़न है, यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह की इसमें एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो अभी इंडियन पीएम ने 21 डेज का जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया ऑल इंडिया में, तो उसमें क्या क्या चीज़ ओपन रहेंगी और क्या क्या चीज़ बंद रहेंगी। तो आप देख लेते हैं इसमें जो आपकी जितने भी आपकी गवर्नमेंट पीएसयूज हैं वो सबके सब बंद रहेंगी, सिर्फ डिफेंस, पुलिस, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी और अर्ली वार्निंग एजेंसीज, सिर्फ इसके अलावा और सब जो पीएसयूज या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे। उसके अलावा आपका जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो क्लोज रहेंगे, सिर्फ आपका पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एयर फायर इमरजेंसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिजन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेजरी, इलेक्ट्रिसिटी, बार्टर, सैनिटेशन, एसेंशियल म्यूनसिपल सर्विसेज, सिर्फ ये चीज़ ओपन रहेंगी। उसके अलावा जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो भी आपके बंद रहेंगे। उसके अलावा देख लेते हैं और क्या क्या ओपन रहेगा, आपका हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, केमिस्ट, मेडिकल इक्विपमेंट्स, शॉप्स, नर्सिंग होम्स और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल पर्सनल्स के लिए, या आपका अदर मेडिकल हॉस्पिटल जो सपोर्ट के लिए कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं वो ओपन रहेंगी। उसके अलावा जो है आपका कॉमर्शियल एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं वो भी क्लास बंद होंगे, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़कर। इसमें क्या क्या चीज़ें छोड़ी गई हैं आपका, इसमें आपका फूड एंड ग्रोसरी शॉप जो है, मिल्क शॉप जो है, या फिर आपके बैंक, ATM, इंश्योरेंस, ये चीज़ खुली रहेंगी। उसके अलावा आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपका खुला रहेगा। उसके अलावा आपका टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विसेज, ये भी आपकी ओपन रहेंगी। उसके अलावा आपका जो डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज लाइक फूड, फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इनको आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू बाय भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपका पेट्रोल पंप्स, LPG, पेट्रोलियम, गैस रिटेल, ये सब चीज़ आपका ओपन रहेगा। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ ओपन रहेगी, आपका पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन कंपनी या सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रही हैं वो ओपन रहेगी। उसके अलावा आपका शेयर मार्केट ओपन रहेगा। उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये आपका ओपन रहेगा। उसके अलावा जो प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज जो होती हैं उनके ऑफिस वो भी खुले रहेंगे। उसके अलावा हम देख सकते हैं जो आपके इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो भी बंद रहेंगे, एक्सेप्ट जिसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उनको छोड़कर। उसके अलावा हम लोग अब डिफरेंस देख लेते हैं कि लॉकडाउन में और कर्फ्यू में क्या क्या डिफरेंस होता है आपका।
तो आपका डिफरेंस होता है कि जो अब लॉकडाउन होगा उसमें क्या होता कि कोई पास रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि कर्फ्यू के लिए जो होता है कि इसमें स्पेशल पास चाहिए होगा यदि आपको मूव करना है, जैसे कि कुछ किसी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपको एक स्पेशल पास दिया जाएगा कि आप हॉस्पिटल तक रीच कर सकें। उसके अलावा आपका एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी अवेलेबल रहेंगी, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ कर्फ्यू के टाइम पे सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी, जैसे कि पुलिस हुआ या हॉस्पिटल सर्विसेज हुई। उसके अलावा आपको एग्जेम्पशन लिस्ट होगी इसमें, इसमें मतलब इसमें तो क्या लिस्ट कुछ चीज़ों का एक्सेप्शन होगा, इसमें उस लिस्ट को और काफ़ी कम कर दिया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें मास गैदरिंग जो होगी लॉकडाउन्स में, इसमें पब्लिक गैदरिंग को प्रिवेंट किया जाएगा। और इसमें क्या है, कैन ओनली गैदर टू अवेलेबल एसेंशियल कोर्ट, मतलब आप जो भी एसेंशियल सर्विसेज है उसको जो रिलैक्स पीरियड प्रोवाइड करवाया जाएगा उसी समय आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा इसमें जब लॉकडाउन होगा आपका उसमें आपके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो लिया भी जा सकता है, लेकिन इसमें जो है ऐसा कोई श्योरिटी नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या स्ट्रिक्टली आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा यदि आप उस तरह के कुछ जो पब्लिक ऑफिशियल ने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन जारी किए हैं उनको आप वायलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो लॉकडाउन है आपका सेक्शन 144 है या आपका कर्फ्यू है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और आपका जो 24 डेज अगले हैं उसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। ओके, थैंक यू।